राजनगर बस लूटकांड में पुलिस को मिली सफलता। एक घंटे के अंदर बस को लूटने वाले लुटेरे को पकड़े। लुटेरों को पकड़ने के दौरान टीआई सिद्धार्थ शर्मा के पैर में आई चोट। सुबह हुई थी बस से लूट। कट्टे की नोक पर यूपी बिहार की तर्ज पर हुई थी लूट। 2,200 रुपए की हुई लूट। दो आरोपी पकड़े, कट्टा और बाइक बरामद। छतरपुर जिले के राजनगर में आज सुबह बस लूटने वाले लुटेरे पुलिस के हत्थे चढ़े। दो लुटेरे पकड़े। राजनगर टीआई सिद्धार्थ शर्मा को मिली सफलता। लुटेरों से पूछताछ जारी। एसपी अगम जैन ने बतलाया कि आसपास के लुटेरे हैं। इस मामले का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। फिल्मी स्टाइल में बाइक से आए बदमाश फायरिंग कर बस लूटी। यात्रियों से जेवर और कैश छीना, गाड़ी छोड़कर भाग निकले। खजुराहो से 8 किलोमीटर दूर पथरिया दिगड़ा पर बदमाशों ने यात्रियों से भरी बस को फिल्मी स्टाइल में रोककर कट्टे की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने हाथ देकर बस को रुकवाया, उसमें चढ़कर कट्टा लहराया और यात्रियों से पैसे गहने छीन लिए। वारदात शुक्रवार सुबह करीब 7:30 बजे राजनगर थाना क्षेत्र में कुटने डैम के पास की है। नाम क्या भैया? हरेंद्र मिश्रा। कहाँ से आप? बमोरी बहादुर। क्या हो गया आज सुबह 8 बजे? गाड़ी हम लोग सतना गाड़ी से आ रहे थे। गाड़ी तो डेली आती है, गाड़ी टाइम पे आती है। हम लोग ड्यूटी आते हैं तो डेली ही आते हैं, बट आज क्या हुआ कि यहाँ पत्थरे थे गड्ढे तक गाड़ी आई और पत्थरे थे गड्ढे के पास ही दो लोगों ने गाड़ी खड़ी करके लूटपाट चालू कर दी। जो लोग थे वो फेस कवर किए थे, एक रेड कलर की टॉवल से फेस कवर किया था और एक ब्लैक कलर की से, तो दोनों ही फेस कवर किए थे। एक के हाथ में डंडा था और एक के हाथ में कट्टा था। जब वो चढ़े थे तो उस टाइम कट्टा उन्होंने बाहर नहीं निकाला था, छिपा के रखे थे, और जैसे ही गाड़ी के अंदर एंटर हुए तुरंत उन्होंने कट्टा निकाल के और ड्राइवर के कान पे लगा दिया। उससे गाड़ी से ड्राइवर से बोला कि तुम चाबी मुझे दे दो गाड़ी बंद करके, और गाली गलौज करने लगा उसके साथ। तो इसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी की चाबी दे दी और चाबी लेके फिर उसने वन बाई वन के पूरे लोगों से पैसे निकाल, पैसे किसी का मंगलसूत्र छीना, मोबाइल भी छीना कुछ लोगों के। हम लोगों ने तो मोबाइल अपना सीट के नीचे रख दिया था छुपा के। पैसे हमारे भी पर्स छीन के पैसे निकाल के पर्स फेंक दिए गए हैं, और एक महिला थी हमारे सामने बैठी थी, उसका मंगलसूत्र झटका मेरे सामने ही, बच्चा था उसके पैसे निकाले, और मेरे बगल में भी एक भैया बैठे थे उसने भी, मैं तो बोनट के जस्ट बगल वाली सीट पर ही बैठा था, और फिर जो नहीं दे रहा था उसने फिर से फायर किया। वहीं पर फायर किया उसने गाड़ी के अंदर से किया, लेकिन गेट के बाहर साइड किया क्योंकि बाहर निकल गया फायर गेट से। इसके बाद क्या हुआ फिर? इसके बाद हमने तुरंत नीचे उतरे, जब वो भाग गए वहाँ से तो हम लोग नीचे उतरे। हम लोगों को नहीं पता था कि ये गाड़ी से आया कैसे आए हैं, वो लोग भाग गए खेतों में कहीं जाके छुप गए। हम लोग नीचे जाके देखा, हमने आसपास देखा तो गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी की हमने तुरंत, फिर हमारे एक भैया थे साथ में तो उन्होंने फोटो क्लिक की उसकी गाड़ी की, और क्लिक करने के बाद उन्होंने दूर से कहीं से छुप के देख लिया कि अब तो गाड़ी पकड़ने में आ गई। फिर वो गाड़ी में आए, गाड़ी में जैसे दूर से दौड़ते हुए वो आए, कट्टा सामने दिखा के दौड़ते हुए आए मारने की उससे, तो कुछ लोग पहाड़ साइड चले गए और हमारी महिलाएं कुछ बैठी थी उसमें गाड़ी में, गाड़ी के अंदर बैठी थी। तो गाड़ी के अंदर जब बैठी थी तो हम लोगों ने ये सोचा कि जब महिलाएं हम छोड़ के अगर इस तरीके की जाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, जो अगर हम लोगों के साथ होगा फिर वो महिलाओं के साथ क्या नहीं कर सकते, और ये अगर शासन प्रशासन अगर इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है तो ये बहुत बड़ी घटना है। इस छोटे रूप में ना लेकर के ये बहुत बड़ी घटना के रूप में। बस लवकुश नगर से सतना जा रही थी, इसमें 20 यात्री मौजूद थे। लूट के दौरान बदमाशों ने 3 हवाई फायर किए और मौके पर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। ड्राइवर किशोरी ने कहा कि हाथ दिया तो सवारी समझकर बस रोकी। ड्राइवर किशोरी कुशवाहा ने कहा, दोनों लुटेरों ने हाथ दिया तो हमने सवारी समझकर बस रोक दी। वे दोनों बस में चढ़ाए, अचानक एक ने कट्टा निकाल लिया। वे गाली गलौज करते हुए फोन न करने की धमकी देने लगे। आगे की सीट पर बैठी महिलाओं से जेवर और कैश छीन लिया। विरोध करने पर कट्टे से हवाई फायर किए। नाम क्या आपका? आरती है। कहाँ से हैं? राजनगर से। क्या हो गया था सुबह 8 बजे? 7:30 बजे की बात, पथरिया टट्टी गड्ढा पे दो चोर बस में घुसा, हमारा मंगलसूत्र ले गए, बच्चे की सोने की लॉकेट ले गए, हमारे पति के पर्स में से 18,000 रुपए ले गए। हम मजदूरी का काम करते हैं, आज दिल्ली से आए, हमारी बच्ची की तबीयत खराब है, आंखों की रोशनी चली गई, उनकी दवा के लिए आए थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप? हम लोहड़ी से राजनगर आ रहे थे। आंखों की रोशनी चली गई है? पता नहीं, अपने आप अचानक ही चली गई। किसकी? तो लड़की की, बड़ी वाली बहनजन की। अच्छा, वहीं जा रहे थे आप? हाँ, बहन जी की, यहीं पे है गाँव में, हमारे साथ ही रहती है, मम्मी के पास आज के। यात्रियों ने पुलिस को बताया लुटेरे प्लेटिना बाइक पर आए थे। एक बदमाश ने कट्टा दिखाया जबकि दूसरा हमें धमका कर जेवर कैश और
मोबाइल छीनने लगा। उसने एक बच्चे के हाथ से 50 रुपए भी छीन लिए। एक महिला यात्री ने रोते हुए कहा, मैं राजनगर जाने के लिए बस में चढ़ी थी, लुटेरों ने मेरा मंगलसूत्र, मेरी बेटी की सोने की चेन और मेरे पास रखे 20,000 रुपए छीन लिए। रुपए मैंने बेटी के इलाज के लिए रखे थे। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए अभिषेक नामदेव की रिपोर्ट।